अस्सलाम वालेकुम। आज कुकटेन में हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मक्का के ढोकले। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बताते हैं आपको मक्का के ढोकले की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मक्का का आटा, 100 ग्राम हरे पत्ते वाले प्याज लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया, 1 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, 2 प्याज, 5 से 6 हमने हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल लेंगे मोयन के लिए। मक्का के आटे में हम हरे प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट, हरा धनिया, वेजिटेबल ऑयल, मीठा सोडा, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, टेस्ट के मुताबिक नमक, पिसा गरम मसाला लेकर हम हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हम सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। थोड़ा और मिक्स कर लेंगे। देखिए हथेली पर रख के आप इसको ऐसे मिक्स कीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। पानी डाल के हम मक्का के आटे को गूंद लेते हैं। इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करना है और हथेली की सहायता से ही हमको इसको मिक्स करना ही। देखिए हमने एक थाली में आटे को निकाल लिया है क्योंकि बाउल में अच्छे से ये हथेली से मिक्स नहीं हो रहा था। हम ऐसे देखिए ऐसे मिक्स कर देंगे सब पूरे आटे को। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम पेड़े ले लेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे और हथेली से चकटा कर देंगे सभी किनारे को, शेप दे देंगे। और अंगूठे से थोड़ा ऐसा प्रेस कर देंगे इसको। देखिए ऐसा ढोकला बनेगा। हम पूरे आटे के ढोकले तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने मक्का के ढोकले बना लिए हैं और एक प्लेट में तेल लगा के थोड़ा इसको ग्रीस कर लेंगे। एक भगोने में हमने पानी को बॉईल कर लिया है। देखिए छलनी भी रख दी है। अब इसके ऊपर ग्रीस की हुई प्लेट रख देंगे और सभी ढोकलों को हम इस प्लेट के ऊपर रख देंगे। देखिए बड़ी एहतियात के साथ आप इनको इस प्लेट पर रखिए। अब हम इस भगोने को एक प्लेट से ढक देंगे। अच्छे से ढककर हमने एक चकला इसके ऊपर रख दिया है।
ताकि भाप नहीं निकले। 20 से 25 मिनट हमने ढोकलों को भाप में पका लिया है। अब हम देख लेते हैं, वैसे हमने एक बार चेक कर लिया था बीच में। देखिए हम चाकू से देख लेते हैं, ढोकले बन के तैयार हैं। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बड़ी सावधानी से हम इनको निकालेंगे। थोड़ी गैस को हम बंद कर देते हैं बड़ी एहतियात के साथ। हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए ढोकले हमने सर्व कर लिए हैं। अब आप इसको तिल के तेल के साथ या देसी घी के साथ भी खा सकते हैं। इनको आप दाल के साथ खाइए या सॉस या हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी मक्का के ढोकले की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुक टेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।